सेक्शंस जमित कुछ करें। हाँ सर, दो कंसल्टेशन आए थे सर, ओके कैसा रहा प्रेडिक्शन? तो वहां पर सर एक चार्ट पे तो मैंने किया था, वो इतने शॉक थे जिनका प्रेडिक्शन किया मैंने। मतलब मुझे खुद को अच्छा लगा, इतना अमेजिंग प्रेडिक्शन था। जस्ट सर साइंस, सिर्फ साइंस से क्या प्रेडिक्शन हाँ था? सर सर प्रिडिक्शन ये था कि उनके सिबलिंग्स जो है, उनके हस्बैंड के सिबलिंग्स, उनको चाइल्ड में लाइक चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। सो सर ठीक शी वाज शॉक्ड, शी वाज शॉक्ड एंड शी वाज लाइक, यू गिव मी दिस रेमेडी, आई विल पे यू एनी अमाउंट यू वांट। ठीक आई हैव लाइक ठीक है, उस साइन का रेमेडी बताओ एंड विल सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दर्शन जी आपको तो मैंने देखा प्रेडिक्शन, ठीक है, अच्छा आ रहा है, धीरे धीरे यू आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आज का क्या टॉपिक है। आज का टॉपिक है सजिटेरियस, ठीक है। सेम टाइम नहीं, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो नहीं करा अभी हमने, स्कॉर्पियो पढ़ना है आज का टॉपिक है स्कॉर्पियो। सी व्हेन आई एम टीचिंग यू स्कॉर्पियो वर्गो एंड पाइसिस, पे अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अटेंशन। ऑल योर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा टेक्निक्स विल कम आउट ऑफ दिस दीज थ्री साइंस ओनली। ओके, वट एवर आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, यू नीड टू पे अटेंशन वॉट आई एम सेइंग, यू नीड टू पे अटेंशन वाई आई हैव सेड अ पर्टिकुलर थिंग। जस्ट लाइक यू प्रिडिक्टेड जमित कि ब्रदर हैज ए सिबलिंग हैज अ प्रॉब्लम विद अ चाइल्ड बर्थ, एब्सोल्यूटली राइट, इट्स वेरी इट्स जस्ट अ बेसिक स्टार्टिंग प्रिडिक्शन, राइट। बट यू गो टू द अनदर लेवल ना, यू रिक्वायर अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिटेल, पास लाइफ भी आएगा, यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन टू डिटेल्स। स्कॉर्पियो 6 नंबर में अगर बॉडी पार्ट में देखूं तो मेरी इंटेस्टाइन्स पड़ती है ना, इंटेस्टाइन्स को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, साफ सफाई का काम करती है और वो उसके ना सबसे ज्यादा गंदा काम होता है, तभी वहां पे ना शुक्र आके डेबिलेटेड हो जाता है। शुक्र बोलता है मेरा बस का मेहनत उन्नत है नहीं, शुक्र वहां पे डेबिलेटेड है गंदगी के अंदर, शुक्र आपका रिफाइनमेंट है। शुक्र आपको कहता है क्योंकि शुक्र, अगर आपने देखा होगा जो जितने भी शुक्र की चीजें सारी की सारी, जिसका शुक्र अच्छा होता है ना, जो वीनस जिसका अच्छा होगा उसको चीजें पसंद नहीं आती, होते नकचड़ा आदमी है तो चीजें पसंद नहीं आएंगी, शुक्र अच्छा होगा तो, ये उसका पहचान है। वीनस जब भी अच्छा होगा चार्ट में, वो बंदा शॉप पे जाएगा, बोलेगा एक बार ये बोलेगा मेरे को ये व्हाइट शर्ट चाहिए, ऐसा कॉटन में चाहिए, इसमें ये चाहिए, वीनस अच्छे का पहचान है। वीनस खराब होगा ना, बोले कुछ भी चलेगा यार। वीनस अच्छे और बुरे में सिर्फ और सिर्फ ये पहचान, वीनस जो है आपके बॉडी के अंदर स्पर्म को रिप्रेजेंट करता है, द मोस्ट रिफाइंड थिंग ऑफ योर बॉडी, इतना रिफाइंड है। वीनस 9th हाउस में होता था, वो लोग बोलते हैं कि इसको गाने सुनने का शौक है और म्यूजिक भी वो ऐसा सुनेगा कि उसको पसंद का है ना, यही सुनना है, मतलब बहुत स्पेसिफिक है, यही म्यूजिक सुनना है। अच्छा, जिसका लगन लॉर्ड केतु के साथ होता है वो सूफियाना सुनता है, या सैटर्न के साथ होगा तो डिप्रेशन वाले सॉन्ग सुनेगा। सिमिलरली देखना, जब भी सैटर्न का मून के साथ कॉम्बो होगा या असेंडेंट पे सैटर्न का इफेक्ट ज्यादा होगा ना, तो उसको ऐसा ड्रिंक पसंद आएगा, शराब भी की जेन पिएगा, डिप्रेसिंग ड्रिंक है वो, आपको रोने पे मजबूर करता है। जिसका सन के साथ होगा वो थोड़ा एग्रेसिव ड्रिंक पिएगा। एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ यू नीड टू ऑब्जर्व वेरी क्लोजली कि किसी को जिन क्यों ही पसंद आता है, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर, जिन पसंद आएगा, ठीक है। अभी देखो कहां पे था मैं, वीनस पे था। वीनस जो है 6 नंबर में आके डेबिलिट हो जाता है क्योंकि अथड़ियों को मेहनत करनी पड़ती है। अगर किसी का विर्गो अफ्लेक्टेड है ना, वहां पे जीव नहीं है, विर्गो एक जीवलेस साइन है, ध्यान रखना, हर जगह लिखा है, जहां पे भी विर्गो लिखा है ना, अगर किसी का विर्गो 5th हाउस में आ गया तो वहां बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है, जीवलेस साइन। विर्गो अगर क्योंकि वहां पे इतनी गंदगी है विर्गो के अंदर कि वहां पे जीव पनपेगा नहीं, अगर कोई बंदा अपना टॉयलेट पी ले ना तो फिर भी बच जाता है, बिकॉज वो स्टराइल है बेसिकली, बट जो पूप है वो इतना ज्यादा वो है, टॉक्सिक है,
कि वहां बचता नहीं इंसान। तो इसी तरीके से जब भी छह नंबर जहां पे जाएगा वहां पे वो मेहनत है आपकी, सबसे ज्यादा मेहनत छह नंबर किसका लिए, परिश्रम के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए। जिसका छह नंबर खराब है उसका उसको नौकरी होगी नहीं उससे। हेलो सुकृति जी, कैन यू हियर अस? यस यस, आई एम बैक। या ओके, व्हाट आई विल डू, आई विल पुट ऑन दिस रिकॉर्डिंग ऑन अ गूगल ड्राइव समवेयर सो यू कैन एक्सेस इट ऑनलाइन। हाँ जी ठीक है विक्की जी। एना स्कॉर्पियो असेंडेंट देखा। हाँ जी। तो वर्गो 11th हाउस में आ रहा है। हाँ जी। तो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं। हाँ। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनको गालियां देता होगा। यानी मतलब आप बोलो ना। इवन इफ आई सीट आल्सो विद देम, लेकिन वो पता है कि यार ये बंदे के साथ इतने लेवल से आगे नहीं बढ़ना है। उसको कुछ बता भी नहीं सकते कि इसको अगर बोल दिया तो दस आदमी को बताने वाला है और उस तरह। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग मतलब वो जिनसे भी कोऑर्डिनेट करते हैं ना, सभी लोग मतलब उसको यार ये क्यों आया, मतलब उसका देख के बोलते हैं ना, हां थोड़ा देख के मुंह फूल जाता है यार, जैसे बिल्ली रास्ता नहीं काट गई उसको देखा नहीं यार ये क्यों आया यहां पे। स्कॉर्पियो जो है ना, मैं एक चीज बताता हूं, देखो ये बात ना कहीं लिखी नहीं हुई, इसको ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात। एक नक्षत्र है विशाखा, देयर इज अ नक्षत्र कॉल्ड विशाखा, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, दिस इज अ सीक्वेंस। व्हेनेवर यू सी अ विशाखा नक्षत्र इन द चार्ट, व्हेनेवर विशाखा इज अ नक्षत्र विच वॉज मेंट फॉर पीपल हु स्टार्टेड टू लिव इन आइसोलेशन, there is a complete story on 27 nakshatras, complete story. I will teach you the sequence in nakshatras course. But for timing, I'm teaching you, why I'm teaching you right now, just to give you how to actually interpret it. Vishakha is a nakshatra for saints only. People who start to live in isolations, people who have deep desire to live in isolations. That's Vishakha nakshatra. Vishakha nakshatra is starting, is in the starting of the scorpion sign. Vishakha nakshatra is in the starting of the scorpion sign, which shows the great change, basically. Vishakha nakshatra, whenever you will see, you predict him that you will love to live in isolation. Now, what the story regarding this Vishakha is, these people, they go to the jungle to do the tapasya. Ye tapasya karne ke liye ye log, matlab inka jo past life ka jo story hai, wo ye hai. ये लोग तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं। तपस्या करते करते ये ना रास्ते से भटक जाते हैं। विशाखा नक्षत्र के साथ प्रॉब्लम है अल्कोहल वुमेन। आई टेल यू व्हाई, आपने कभी देखा था कि जब कोई भी तपस्या करता था तो उसके पास अप्सरा आती थी ना अप्सरा, उसको तंग करने के लिए, उसका उसका तप छीनने के लिए। विशाखा नक्षत्र इतना हाईली स्पिरिचुअल जाएगा, इतना हाईली स्पिरिचुअल जाएगा, एंड देन फ्रॉम दैट पॉइंट ना ही विल फॉल बिकॉज ऑफ द वुमेन और द अल्कोहल, उसका तपस्या भंग हो जाता है बीच में और वो बेचारा वहीं का वहीं रह जाता है। विशाखा नक्षत्र के लिए सबसे बड़ा रेमेडी है विशाखा नक्षत्र का, बिकॉज विशाखा से अगला नक्षत्र ना अनुराधा है। अनुराधा डिवोशन है। जब कोई संत अपने आप को डिवोट कर देता है ना ईश्वर के लिए, तब ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं फिर बाकी सब चीजों से। विशाखा से अगला नक्षत्र अनुराधा, डिवोशन के अगला नक्षत्र इंद्र का है जिसके लिए वो सारी लड़ाई चल रही थी। ज्येष्ठा नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ इंद्र, इंद्र ही बेस्ट है ना कि यहां तक नहीं पहुंच जाइए मेरे तक। तो जब वो इंद्र की और ये लाइफ सीक्वेंस ना आपको देखेगा, आपको ये देखना है कि अगर कोई बंदा विशाखा नक्षत्र का मेरे पास आ रहा है तो ये किस लेवल पे, ये अनुराधा पे पहुंचे या ज्येष्ठा पे पहुंचे। ज्येष्ठा में पहुंचा है तो मतलब आपको दिखेगा कि इसको ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, पैसा इसका बहुत अच्छा आ रहा है, इसका जिंदगी सुकून से बीत रहा है, वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पहुंच गया। और अगर वो अनुराधा में होगा तो बहुत डिवोशन में होगा, आपके पास नहीं आएगा वो, या तो आएगा या तो विशाखा नक्षत्र के आसपास या ज्येष्ठा नक्षत्र के आसपास। आपको उसका लाइफ साइकिल देखना है कि विशाखा में है ज्येष्ठा में है। विशाखा में होगा तो तंग होगा, पैसे नहीं आ रहे। पैसे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसने डिवोशन छोड़ दिया, उसने पूजा पाठ छोड़ दी, उसमें स्पिरिचुअलिटी छोड़ दी। जब वो तपस्या करने लग जाता है ना, पैसा बरसने लगता है, लिटरली पैसा बरसता है।
I will show you a chart, several charts, not one. I will show you several charts where this particular person was so close to God, so close that he said, I have seen miracles happening around me. Miracles. Like people will come and they will disappear in front of me. They will ask for something and then they will disappear. I was so close because I was in such a sadhana. Then a lady came in his life. Extramarital started. He fall. Everything went to back zero. He still have money. I'm still rich. But he said, I'm not that very rich, like I was supposed to be. Vishakha nakshatra ko leke ladki hi dubegi ya sharab dubegi. अभी किसको प्रेडिक्ट करो उसका चार्ट देख के. अगर सपोज सन में है तो फादर के लिए प्रेडिक्ट कर दो ये स्टोरी. स्टोरी है विशाखा का. सीक्वेंस देखा विशाखा नवरात्र ज्येष्ठा. इसी तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम दशमी देयर इज अ स्टोरी हाउ टू सी द प्रोग्रेशन इन ईच हाउस. अच्छा अभी मेरे को बताओ 19 साल की दशा है शनि की, 20 साल की शुक्र की, 10 साल की चंद्रमा की, 6 साल की सूर्य की. 6 साल सूर्य एक जैसा रिजल्ट देगा क्या, या 20 साल एक जैसा रिजल्ट देता है क्या शुक्र? शनि एक साथ रिजल्ट देगा 19 साल? नहीं देने वाला ना भाई. तो फिर वो कैसे देखेंगे कि इस दशा के अंदर अच्छा टाइम पीरियड और बुरा टाइम पीरियड कौन सा है महादशा के अंदर? अंतर नहीं देखना, सिर्फ ये देखना कि स्टार्टिंग इस 19 साल की महादशा के अंदर कौन सा टाइम पीरियड अच्छा कौन सा टाइम पीरियड बुरा, ये बताओ कैसे देखना है. कौन सी बुक में लिखा है ये? सारी बुक्स के अंदर सिर्फ सिर्फ ये लिखा गया कि शुक्र के अंदर जब ये दशा आ जाए ये आ जाएगा. शुक्र में सूर्य चलेगा गवर्नमेंट से परेशानी होगी, शुक्र में बुध आएगा ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है खाने को मिलेगा. सिमिलरली लाइक दिस रिटन रिजल्ट्स आर रिटन बट नोबडी हैज टोल्ड यू व्हाट द रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर महादशा. 20 साल की महादशा में मतलब क्या बीच में 10 साल बाद आके रिजल्ट आएगा क्या उसका असली, उससे पहले और बाद में क्या रिजल्ट देखेगा वो बंदा? तो मेरे पास 3 साल बाद आ गया शुक्र की महादशा में, उसको रिजल्ट बताना है यार क्या होने वाला तेरे साथ. मैं उसको कहूंगा 10 साल रुक जा. रिजल्ट्स कैसे देखते हैं? अच्छा चलो ये चीज सिखाता हूँ आज. You need to learn this. Let me see where my PowerPoint regarding it is. आपको पता है जो इंद्र है उसको वापस जाना पड़ता है विशाखा में अगर वो फॉल हो जाए तो. नक्षत्र के अंदर जब सीक्वेंस सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा कि कैसे आंसर बढ़ता और घटता है अपनी लाइफ में. ठीक है हाँ हाँ ठीक. विशाखा जो है ना आप अगर ज्येष्ठा पे हो और अगर आप जो ज्यादा शराब पियो और जो ज्यादा अप्सराओं के साथ संभोग करो तो आपका जो पुण्य है वो खत्म हो जाता है. अब पुण्य खत्म होता है तो वापस जाना पड़ता है धरती पे, फिर से आपको लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है. राइट ठीक है. तो ये सीक्वेंस अगर आप वापस उसमें देखो, अगर आपके पैसा नहीं है इस टाइम पे, पैसे का प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपके पास ताकत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जो इंद्र के पास है बहुत सारे, आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो आपके लिए काम कर सके, ठीक है, मतलब आप किसी बड़े कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के वो नहीं हो, हेड नहीं हो, इट मीन्स आप विशाखा पे आ गए वापस. ओके हाँ हाँ. और विशाखा रेमेडी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा रेमेडी क्या है उसका. हाँ जी ठीक है. लेकिन इंद्र के जल अगर इंद्र के आपकी लाइफ है तो आपको डेली शराब मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल डेली अप्सरा मिलेंगी डेली, मतलब आपको कभी कमी नहीं आएगी इस चीज में. वो इंद्र वाला लाइफस्टाइल आपका पूरा चलता रहेगा. साहब चल रहा है सर इसमें जो है ना जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, मेडिकल साइंस से बोलते हैं पीनियल ग्लैंड होता है और कुछ होता ही नहीं, शास्त्र बोलते हैं मन होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है. मन अगर आपका खराब है आपके साथ पास कुछ भी रहेगा, कुछ भी, आपके पास कितना भी पैसा सही, आपका अगर मन खराब हो गया ना तो सब कुछ खराब हो गया. आपका अगर हार्मोन कंट्रोल करने का जो बॉडी सिस्टम है वो कंट्रोल नहीं हुआ,
मून को क्यों बोला गया? जुपिटर के साथ अच्छा है गज केसरी योग, जुपिटर क्योंकि बेनिफिक है ना, उसको अच्छी सलाह देगा, ब्रेन के अंदर एसिटिलोन यूज करता है। आपका मून जिस भी प्लांट के साथ बैठा है, जिस भी घर में बैठा है, आपके ब्रेन के अंदर उतने ही हार्मोन सिक्रेट होंगे। मून विद केतु रिलीजेस नियोपेपरिन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, घबराहट प्रोड्यूस करता है। चंद्रमा जब जब भी केतु के ऊपर से ट्रांजिट होता है मन घबराता है। मून अगर मार्स के साथ है तो फिर भी ठीक है, अपने दोस्त के साथ है, लक्ष्मी योग बना, हिम्मत दिखाता है इंसान पैसा कमाने के लिए, लक्ष्मी योग बनता है। ये चीटिंग योग भी है मून मार्स। मून बहुत फिकल माइंडेड है, मून जुपिटर के साथ जाता है तो इसका दिमाग अच्छा है ना, अच्छा बात सोचता है, बॉडी के अंदर पीस है, अच्छा रहेगा। सैटर्न के साथ जाता है तो विष योग, क्योंकि सोचता बहुत है, इतना सोचता है कि वो शरीर के अंदर ना विषाद पैदा हो गया, जितना भी आपके अंदर दुख है विषाद है वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो विष है। और विष को दूर करने के लिए बोलेगा कि आप दूध पीजिए, दही खाइए, मक्खन खाइए, क्योंकि विष कम करता है ना, मतलब मून की एनर्जी बढ़ाइए तो विष कम हो जाएगा, रेमेडी है ये। किसी का सैटर्न मून कंजंक्शन हो उसको बोले आप नहाइए दिन में 3 बार, मीठा पानी पीजिए, लगातार पानी पीजिए, आपके अंदर का बॉडी का जो वो मून सैटर्न कॉम्बिनेशन है ब्रेक डाउन होगा। लाल किताब कहती है कि ऐसे आदमी को 43 दिन मीठा पानी पिलाओ। बेसिकली क्या कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में बिकॉज लाल किताब केम फ्रॉम द पंजाब, पंजाब में गर्मी बहुत पड़ती है, वहां पे वो मीठा पानी पिलाने से मतलब वो ज्यादा पानी पिएगा, एनर्जी आएगी उसके अंदर। और पहले मीठे पानी के नाम पे चीनी वाला पानी नहीं था, मतलब वो उसमें था उस जो रेमेडी, वो कहते हैं कि इसको मीठी लस्सी पिलाइए, तो मीठी लस्सी और गुड़ वाली पिएगा वो, तो उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होता रहेगा, उसके जो थिंकिंग पैटर्न है ब्रेक डाउन हो जाएगा। मून सैटर्न कॉम्बिनेशन है ना, उसको एकदम से ऐसा लगता है भगवान सब कुछ बर्बाद हो गया, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, तो ठीक है इस सैटर्न मून करता है, इसका रेमेडी है, ठीक है। तो अलग अलग सती के भी एप्लीकेबल होगा क्या सर? 7.5 के सेकंड फेज में एप्लीकेबल होगा? हाँ जी, 7.5 से पहले फेज से एप्लीकेबल होगा सर ये, क्योंकि अच्छा। कोई भी प्लैनेट मून के इधर या उधर उसको अपना अफेक्ट करना चालू कर देता है, बट वो सेकंड फेज में तो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत प्रोमिनेंट, ठीक है। अभी इतना समझ में आया ना, केतु के साथ रहेगा तो डिप्रेसिव हो जाता है, मतलब इसका गोल ही नहीं, एक बार में 10 काम, केतु ने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाता है, एक बार में 10 काम करने का सोचता है और कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। गाने सूफी सॉन्ग सुनेगा, क्योंकि केतु फकीर है ना, सूफी सॉन्ग नुसरत फतेह अली खान को सुनता होगा, ये कॉम्बिनेशन है मून केतु। ये लाइफ का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके चार्ट में पता क्या प्रेडिक्शन था? इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस चार्ट, आई प्रेडिक्टेड हिम दैट इन पास्ट लाइफ ना यू लेफ्ट योर वाइफ ड्यू टू मनी ओनली, इन दिस लाइफ शी केम एंड टुक ऑल द मनी बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव लेफ्ट। ही वेंट टू अ ब्रेगु रीडर, ही टोल्ड हिम द सेम थिंग, ही सेड इन द पास्ट लाइफ यू वेंट टू यू बिकॉज यू डिडंट पे द because of the money you left the wife, that's why in this life na this has happened to you, the wife has taken the money. So this is what I'm telling you, doesn't matter which technique you use, you can go to a Bhrigu astrologer, you can come to me for the pending karma reading, the results are absolutely same. Past life mein is aadmi ne apni wife ko paise ke liye choda, is life mein wife ne wahi paisa isse le liya, बराबर हो गई। अभी अब से 7.5 साल बाद वाइफ को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा लाइफ में, एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, एक्सीडेंट होगा या सर्जरी होगा बहुत बड़े, उस टाइम पे ना वाइफ को अभी समझ में नहीं आ रहा, वाइफ को लगता है कि पैसा आ गया ठीक है क्या आप बिगाड़ सकते, बट द कर्मा विल हिट हर बैक आफ्टर 7.5 ईयर्स। सर टाइमिंग का तो पता नहीं, लेकिन आप चार्ट से बता सकते हैं ये कैसे प्रेडिक्ट किया आपने? This is based on नक्षत्र। अच्छा। When we'll come to the नक्षत्र part ना। हाँ जी। Then I will show you how to actually use these all the stories of every single नक्षत्र, where the person is right now।
ठीक ठीक फॉर एवरी इवेंट देर इज अ सीड वाइफ हैज सोन द सीड राइट नाउ बाय चीटिंग द हस्बैंड उसका रिजल्ट कब आ रहा है उसका रिजल्ट आपसे 7.5 साल बाद आ रहा है और वाइफ का चार्ट आपके पास नहीं है नहीं है वाइफ का चार्ट नहीं है और वाइफ के बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा ना इसी चार्ट से राइट राइट ठीक है तो ये आपको मैं आपको इसलिए डिफाइन किया मृत्यु वाक्य से देख और ये नवांश का जो कॉन्सेप्ट है ठीक है